तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म सबसे पहली जो फुल फॉर्म है यहां पर क्या परख परख क्या है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट सेकेंड क्या है एफ एल एन एफ एल एन क्या है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि बच्चे को जो है थर्ड स्टैंडर्ड तक नॉलेज हो जानी चाहिए कि उसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए उसको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए उसको एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन ये थर्ड स्टैंडर्ड तक आ जाने चाहिए जो बेसिक बेसिक होते हैं उसके बाद क्या निपुण निपुण क्या है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नमरेसी तो एफ को पूरा करने के लिए यहाँ पर निपुण को इम्प्लांट किया गया जो एफ है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर किसको लाया गया निपुण को लाया गया नेक्स्ट जो हमारी है एन सी ई आर टी तो एन सी ई आर टी तो आप सभी फेमिलियर होंगे क्योंकि आप सभी ने बुक्स भी पढ़ी होंगी एन सी ई -E आर टी की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है एस सी ई आर टी एस सी ई आर टी क्या है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एन सी ई आर टी हमारी नेशनल है और एस सी आर टी हमारी स्टेट है ठीक है नेक्स्ट जो हमारी क्या है दीक्षा दीक्षा क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग सेवेंथ है हमारी एन सी टी ई एन सी टी ई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो हमारी क्या है एन सी टी ई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेक्स्ट है हमारी एन बी पी पी एन बी पी पी क्या है कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी नेक्स्ट है हमारी एन सी एफ एफ एस एन सी एफ एफ एस ये नेशनल प्रमोशन पॉलिसी है जो ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है एन पी में और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इसको अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा एन सी एफ एफ एस एन सी एफ एफ एस क्या है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज नेक्स्ट है हमारी ई सी 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 क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नेक्स्ट है हमारी एन टी ए एन टी ए क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके बाद है निष्ठा निष्ठा क्या है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैर्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट नेक्स्ट हमारी एन सी पी एफ ई सी ई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है हो सकता है आपसे पूछी भी जा सकती है तो इसको अच्छे से लर्न करना आपको नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नेशनल करिकुलर एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नेक्स्ट हमारी एम बी पी एन बी पी पी नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी ये तो दोबारा से आ गई भाई नेक्स्ट है हमारी एन पी एस टी एन पी एस टी क्या है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर तो ये थी हमारी फिफ्टीन इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म जो आपसे पूछी जा सकती है आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है अच्छे से लर्न करके जाना है आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग